बसंत पंचमी आप सभी को हमारे परिवार की ओर से हैप्पी बसंत पंचमी। हेलो फ्रेंड्स, हिला लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह सुबह की मेरी पूजा हो चुकी है और आज थोड़ा काम निपटा कर ही मैंने पूजा किया। मतलब सुबह सुबह ही मैंने सारा कल का काम निपटा लिया उसके बाद से, और अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं। उसके बाद से सोचा कि बच्चों को भी अच्छे से फ्रेश करवा दूँ, अपने साथ पूजा में शामिल करूँ, क्योंकि बच्चों को भी दिखाना पड़ता है ना, उन्हें सिखाना भी पड़ता है, बाकी सीखेंगे कैसे। इसलिए बच्चों को भी मैंने शामिल किया और अपना पूजा कम्प्लीट किया। तो आप सभी को फिर से हैप्पी बसंत पंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग को सरस्वती माता ज्ञान दे, बुद्धि दे और आगे आप लोग को आगे बढ़ाएं। तो अभी बजने को जा रहे हैं 10, अभी 10 भी नहीं बजे, अभी मेरे कृष्णा आएगा, कोचिंग गया है, वो आएगा, नहाएगा धोएगा और अपना पूजा कर लेगा। तो हम लोग ने अपना कंप्लीट कर लिया है और अभी तक कुछ खाया है, तो अब चाय में जा रही हूँ बनाने और उसके बाद से चाय पीऊँगी। तो देखिए फ्रेंड, एक बार आप फिर से देख लीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है। गांव में तो छुट्टियां रहती हैं, यहां तो शहरों में छुट्टी भी नहीं है। ये तो गांव में इतना अच्छा धूम धड़ाके से बनाते हैं ना, इतना मस्त बनाते हैं कि पूछिए मत। आज के दिन इतना अच्छा कथा होता है, हवन होता है सरस्वती पूजा के दिन, और नाच गाना डांस बहुत कुछ होता है। तो फ्रेंड, गाँव की बात ही कुछ और है, अभी भी है, हर जगह जगह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे बच्चों का छुट्टी नहीं था, छुट्टी कर लिए बच्चे सब कि मम्मी आज सरस्वती पूजा है, आज मैं नहीं जाऊँ। मतलब बेटी मेरी कल ही कह दी मम्मी मैं कल नहीं जाऊँगी स्कूल, सरस्वती पूजा है, मुझे सरस्वती पूजा देखना है, मनाना है अच्छी तरह से। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कर लो, कोई बात नहीं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं चाय पीने के बाद। मैं आप लोग से ना अभी इस टाइम शाम के टाइम मिल रहे हैं, मतलब 5:30 बज रहे हैं, और दूध वगैरह लेके दूध लेके आई हूँ अभी। ये रहा, अभी मैं दूध भी गर्म करूँगी और इस टाइम मैं थोड़ा सा बनाऊँगी। मतलब दिन में ना मैं थोड़ा सो गई थी और थकान बहुत ज़्यादा हो गया था फ्रेंड, सही बताऊँ तो क्या कहते हैं, दूध लाने के बाद और मतलब सुबह जैसे आज बसंत पंचमी है तो भोग लगाया जाता है ना, पीले चावल के, और मतलब पीले चीज़ की भोग लगाई जाती है, सफ़ेद और पीले चावल की, तो मैंने लगाई नहीं है। मैं इस टाइम सोच रही हूँ बनाने को, तो हलवा बना दूँगी, थोड़ा सा पीले वाली हलवा बना दूँगी। और फ्रूट कलर भी मैंने मंगवा रखा है अपने बेटे से, तो एक येल्लो कलर का है और एक ऑरेंज कलर का है, तो पीला वाला ये वाला इस्तेमाल करूँगी। तो थोड़ा सा पीला चावल मीठी बनाऊँगी, ज़रा से ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि अभी वैसे भी अब ठंड जा रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत मौसम के कारण में तबीयत सबकी थोड़ी डाउन है इस वजह से। और हलवा बना दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि सूजी तो वैसे ही गर्म होता है, तो थोड़ा सा हलवा बना दूँगी और भोग लगा के उसके बाद से बच्चों को बांट दूँगी, थोड़ा बहुत हम लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने और एक तरफ सूजी को भून के हलवा बना दूँ थोड़ा सा, उसके बाद से मीठा चावल कुकर में बना दूँ कि फट से हो जाएगा, और उसके बाद से खाना बनाऊँगी। उसके बाद से खाना क्या बनाऊँगी, मुझे बाजार जाना है, सब्जी भी लानी है, उसके बाद से खाना बनाऊँगी। तो चलो फ्रेंड, अभी ना बहुत सारा काम है फ्रेंड, और ना मतलब अब क्या मैं कहूँ, मतलब ऐसी स्थिति हो गई है ना कि थोड़ा सा समय भी नहीं मिलता आराम करने को। अब यही है कि दोपहर में पूजा पाठ किया, उसके बाद से चाय वगैरह ली, उसके बाद से मैंने कपड़े निकाले, उसके बाद छत पे डाले, मतलब कपड़े निकाल चुके थे, छत पे बल डालना बाकी था, छत पे डाली, फिर आए तो फिर कृष्णा नहाए, तो उसके कपड़े कल धोऊंगी, अब ऐसे ही मैंने रख दिया है, थकान इतना ज़्यादा हो गया था। उसके बाद से खाना वगैरह खाएँ, फिर मैं थोड़ा आराम कर रही, उसके मतलब थोड़ी देर ही आराम करी, क्योंकि प्रियांशा को ट्यूशन में जाना था, फिर उसको भी खाना पीना सब, उसका ट्यूशन का काम करवाना, ये सब रहता ही है। तो चलो फ्रेंड, बातें ना करते, पहले मैं ये वहाँ बना लेती हूँ, नहीं तो फिर ना, और सुबह ही सुबह मैंने सब गैस वो सब कुछ और खांसी भी मेरे को भी स्टार्ट हो गया हल्का वो, साफ़ सुथरा कर रखा है, गैस वो सब धो रखा है अच्छे से। तो पहले भोग के लिए बना लेती हूँ, उसके बाद से आपसे मिलती हूँ। और फ्रेंड, आज है वैलेंटाइन डे, तो आप सभी को वैलेंटाइन डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हम लोग ना वैलेंटाइन डे बनाते नहीं हैं, और आज के दिन ना पुलवामा में ना 14 फरवरी 2019 को ही हमारे मतलब शहीद हुए थे, 40 जवान शहीद हुए थे फ्रेंड, और वो मंजम ना आज भी कोई नहीं भूल सकता है। तो मैं ना उन सबको अपने हृदय से ना सत सत प्रणाम कर रही हूँ, और उनकी बस
आत्मा को शांति मिले। वैसे तो हमारे जवान अमर है, अमर ही रहेंगे, हमारे देश के थे वो। और मैं यही सोचती हूँ कि जिनके घर से ये, जिनके घर पे ये सब बीता, उनके दिल पे क्या बीतती होगी। भगवान ऐसा किसी को ये सब दिन ना दिखाए, हमारे शहीदों को भी भगवान आगे बढ़ाएं, उनकी भी रक्षा करें। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने किचन की ओर। तो फ्रेंड, मैं ना याद नहीं करना चाहती ये सब दिन, क्योंकि मेरा दिल ना बहुत मायूस हो जाता है। और अब से देखा जाए ना फ्रेंड, तो जो भी हम लोग के चेहरे पे मुस्कान है ना, हमारे जवानों के ही तरफ से, क्योंकि वो हमारे देश की सीमा पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। कारण हम अपने आप को सेफ फील करते हैं, मतलब दुश्मनों से वो हमें बचा के रखते हैं, हमारे देश को भी बचा के रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं हलवा बना लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे बाज़ार भी जाना है। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं हलवा बना लेती हूँ। हलवा बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं कुकर रख दी हूँ और मीठी मतलब चावल बनाऊँगी, सिंपल ही। तो चले फ्रेंड, ये भी मैं बना लेती हूँ फटाफट से। कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, क्योंकि मैंने पानी डाल दिया है मतलब अपने अकॉर्डिंग। और अब मैं 2 सीटी ले लूंगी तो ये मेरा डन हो जाएगा। उसके बाद से मैं ना ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी निकाल के। तो चले फ्रेंड, इसको सीटी आने के तब तक इंतज़ार करती हूँ। तब तक मैं कुछ काउंटर सब साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद से मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो चले फ्रेंड, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही आपसे मैं मिलूंगी। मैंने भोग लगा दिया है और शाम का आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और इस टाइम बस मैं रोटी बनाऊंगी, मतलब 7 बजे से मतलब आटा लगा कर रख दूंगी। तो और रोटी बनाऊंगी और सोयाबीन चाप बनेगा, और मतलब रात का डिनर यही रहेगा। तभी मैं बाज़ार जाऊंगी, बाज़ार से आऊंगी तब बनाऊंगी। तो फ्रेंड, अब इस वीडियो को मैं अब यहीं पे ही एंड करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माता दी।